हेलो फ्रेंड, मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में आप मतलब किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल में। आपका जिस अकाउंट में, जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल में। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताऊँगा, लाइव बताऊँगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो फ्रेंड, मेरा फ्रेंड दो बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो मैं दो बैंक में लाइव बताऊंगा कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपको जिस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है उस बैंक का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल में। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड चेक करते हैं। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आपको बैंक में जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी मोबाइल नंबर से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। जो बैंक में जिस मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी बैंक मोबाइल नंबर से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड चेक करते हैं। तो मैं फ्रेंड बताऊँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कैसे चेक कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जिस मोबाइल नंबर से, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना पड़ेगा नंबर पर, ठीक है। मिस कॉल मारने के बाद ऑटोमेटिक आपको मैसेज में आ जाएगा कितना पैसा क्लियर बैलेंस है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लाइव बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैं, मेरा फ्रेंड आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, दोनों का मैं लाइव बताऊंगा। आपको मैं पूरा बैंक का लिस्ट दे दूंगा और डायरेक्टली वहाँ से जिस बैंक का आपका अकाउंट होगा उस बैंक का आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जैसे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, देख रहे हैं, मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, दोनों का मैं चलिए बताऊँगा बारी बारी से। इस समय कॉल करूँगा, ठीक है। डायरेक्टली पूछेगा आपको किस नंबर से कॉल करना चाहते हैं, तो मैं एयरटेल से करूँगा। एयरटेल मेरा मोबाइल नंबर, इसका मेरा लिंक है सेंट्रल बैंक ऑफ, जैसे इस पर कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिंग होगा, कट जाएगा, ठीक है। कट जाने के बाद मैसेज में बता देगा, ठीक है, कितना पैसा है बैलेंस आपको, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं मेरा मैसेज आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जैसे ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देख रहे हैं एडी सेंट्रल बैंक, देख रहे लिखा हुआ है डियर कस्टमर फोर एसी अकाउंट नंबर क्लियर बैलेंस आर एस इतना रुपया, ठीक है, क्लियर। आपको इस तरह से आप देख पाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ठीक है, आपको यहाँ फिर आप उसमें जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मेरे पास नंबर है, इस नंबर को मैं कॉपी करूँगा, देखते हैं इस पर कॉल करेंगे, ठीक है। अब पूछेगा आपको किस नंबर से दिया हुआ है, तो मेरा आइडिया से है तो आइडिया पर, ठीक है। तो फिर देख रहे हैं रिंग होगा, देख रहे हैं रिंग होकर कट गया। अब मेरे पास मैसेज आएगा, ठीक है, इसका आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कितना पैसा बैलेंस में, ठीक है। तो फ्रेंड देख रहे हैं मिस कॉल मारने के बाद, देख रहे हैं आपको ऑटोमेटिक मेरे पास मैसेज आएगा, ठीक है। आपको देख रहे हैं इस पर मैं देख रहे हैं आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, देख रहे हैं अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट, अकाउंट नंबर बता दिया, ठीक है। आई एस देगा आपको, यस ऑन ऑफ डेट बता दिया, ठीक है। आपको ईज आपको बैलेंस आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड आपको। तो फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो फिर आपको चेक करना फिर, तो मैं वीडियो का लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप फ्रेंड इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं आप जो थंबनेल देखे हैं यूट्यूब चैनल में, वही थंबनेल आप देख रहे हैं आपको हाउ टू चेक बैलेंस ऑफ एनी बैंक, ठीक है। देख रहे हैं पूरे बैंक के यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, ठीक है। आपको जो बैंक होगा यहाँ पर चुन लीजिएगा, ठीक है। आपको एक से लेकर 50 बैंक है, पूरा लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो फिर आपको बता दें, एक बार बता दें, आपको अगर स्टेट बैंक का अकाउंट है, ठीक है, आपको तो स्टेट बैंक में चेक करने के लिए पहले आपको इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आपको एसएमएस करना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर बैंक में दिए होंगे आर ई जी लिख के आपको एसएमएस में स्पेस दीजिए, अकाउंट नंबर लिख के आपको सेंड करना पड़ेगा इस मोबाइल नंबर पर। देखिए आपको जो नंबर दे रहा सो रहा है, इस नंबर पर सेंड कीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, देखें इस पर टू चेक बैलेंसिंग का, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसके आप देख रहे हैं आप पूरा बैंक आप लिस्ट दिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से आप चुन लीजिएगा, ठीक है। अब जो भी बैंक होगा आपको इसमें चुन लीजिएगा, डायरेक्टली इस पर कॉल कीजिएगा, आपको बता देगा कितना बैलेंस है, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके लिए आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में बैंक है जो आपको लक्ष्मी विलास बैंक, इसमें भी पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको आर ई जी लिख के आपको स्पेस दीजिए, अकाउंट नंबर डालिएगा, ठीक है। आपको इस पर फिर भेजना पड़ेगा जो आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा बैलेंस के बाद सबसे लास्ट में इस पर आप चेक कर सकते हैं बैलेंस आपको रजिस्टर करने के बाद, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही।